ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਲੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲੋ ਇਹ ਜੀ ਸਿੰਘ ਚਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲੀ ਆ ਆ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਫੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ इस वेले दी वड्डी खबर अमृतसर तो सामने आ रही है जिथे छेहरटा दे विखे एक बेअदबी की घटना वापरी है। गुरु साहबान दी तस्वीरां ते देवी देवतियां दी हिंदू देवी देवतियां दी तस्वीरां एक कूड़े दे ढेर दे विचों बरामद हुईयां ने। इस कारण भाईचारे दीआं भावनावां नूं धार्मिक भावनावां नूं वड्डी ठेस पुजी है, सिखां दीआं भावनावां नूं जिहड़ी है वड्डी ठेस पुजी है क्योंकि गुरु साहिबान दीआं तस्वीरां दी बेअदबी कीती गई है। एक घूड़े दे ढेर दे विचों इह तस्वीरां जिहड़ियां ने बरामद हुईयां ने। कुछ सिख नौजवान मौके ते पहुंचे हुए ने, तुसीं तस्वीरां दे विच वेख सकदे हो कि उन्हां वल्लों कूड़े दे ढेर दे विचों इह समान जिहड़ा है बरामद कीता जा रिहा है। गुरु साहिबान दीआं तस्वीरां तों इलावा हिंदू ते क्रिश्चियन धर्म दीआं तस्वीरां भी बरामद हुईयां ने। इस कारण वड्डी जिहड़ी है ठेस पुजी है भाईचारे दीआं धार्मिक भावनावां नूं ते छेहरटा दे विच इह घटना वापरी है। पूरी जानकारी दे लई असीं अपने पत्रकार दे नाल जुड़ांगे ते उहनां दे नाल गल करांगे कि किवें इह घटना वापरी है ते सारा इह मामला की है, पुलिस वल्लों की इस मामले दे विच कारवाई की जा रही है। सारी गलबात दे लई असीं जुड़ांगे अपने पत्रकार हिमांशु शर्मा दे नाल जिहड़े कि अमृतसर दे विच साडे पत्रकार ने। गलबात करदे आं उहनां दे नाल जी। सति श्री अकाल हिमांशु शर्मा जी। जी ये बेअदबी दी अज जिहड़ी घटना वापरी है छेहरटा दे विच की कहना चाहोगे, किवें इह वापरी है ते जी गल कीती जे देर रात जिहड़े कुछ सिख किसे बंदियां वल्लों एक जगह ते जी जिहड़ी बेअदबी दी घटना पाई गई कूड़े दे ढेर दे विच जिहड़ियां ने कुछ तस्वीरां मिलियां ने गुरु साहिबान दीआं देवी देवतियां दीआं ते क्रिश्चियन भाईचारे दीआं जिहड़ियां तस्वीरां मिलियां ने इस नूं लै के इलाके दे लोकां विच काफी रोष पाया गया। इहदे चलदे पुलिस दे बारे सूचना दित्ती गई, पुलिस अधिकारी भी मौके ते पुज्जे, उहनां नूं अणपछाते लोकां ते मामला दर्ज करके ते कारवाई शुरू कर दित्ती गई है। तुहानूं इह गल दस्सणा चाहांगे पुलिस वल्लों आले दुआले दे सीसीटीवी कैमरे भी चैक कीते जा रहे कि किस वल्लों इह घटना नूं अंजाम दित्ता गया कि पता लग सके। जी जी ये जिहड़ी सारी जदों बेअदबी दी घटना वापरी है जिहड़ी तस्वीरां बरामद हुईयां ने गुरु साहिबान दीआं, कहिंदे इहनां दे विच गुरु साहिबान तों इलावा होर धर्मां दीआं तस्वीरां ने, इहनां दे विच किन्नी कु सच्चाई है कि जिहड़े क्रिश्चियन जां हिंदू धर्म दीआं वी तस्वीरां मिलियां ने? जी बिल्कुल, इहदे विच हनुमान चालीसा भी पाया गया, होर क्रिश्चियन भाईचारे दे जिहड़े गुरु साहिब दीआं तस्वीरां सी ओह वी पाईआं गईआं ने, हिंदू देवी देवते दीआं तस्वीरां वी पाईआं गईआं ने, खास करके जिहड़े सिख धर्म दीआं तुसीं वेख सकदे हो जिहड़ी तस्वीरां सामने नजर आ रहीआं ने ओह वी पाईआं गईआं, जिस नूं लै के इलाके दे विच लोकां दे विच काफी रोष पाया गया जिहदे चलदे सिख जथेबंदियां भी काफी इकट्ठियां होईआं जिस नूं चलदे पुलिस नूं माहौल शांतपूर्वक करना पिआ। जी हिमांशु शर्मा जी, यह भी जानना चाहेंगे कि सब तो पहला इहदे बारे किस नूं पता लगा सी कि कूड़े दे ढेर विचों इह जिहड़ा समान जिहड़ा बरामद जिहड़ा पिआ होइआ है, कि किसने सब तो पहला सिख नौजवानां ने देखिआ सी जां फिर किसी होर व्यक्ति ने इस बारे जानकारी दित्ती, कुछ इस बारे हैगी है जानकारी? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਉਹ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥਾਣਾ ਛਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੰਗਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਉਹ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰ
पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है तो उस वलों सिख नौजवानों के नाल गलबात इस संबंधी की गई तो जी सीसीटीवी फुटेज कहें भी खंगाली जा रही है तो पता लगाया जा रहा है कि यह बेअदबी की घटना किसने इसनों अंजाम दिता है तो पुलिस वालों मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। यह कोई जी बेअदबी की घटना पहली घटना नहीं है, इस तो पहल भी काफ़ी जड़िया घटनावान किया जा सकता है वापर चुकिया ने। बेअदबी की घटना एक इटली के रेंदे एक व्यक्ति ने भी इस तरह की घटना अंजाम दिता से कुछ बीते दिन श्री गुटका साहब के अंगा पाड़ के बेअदबी की उस व्यक्ति ने तो वीडियो जदों उसकी सोशल मीडिया उत्ते उसने इसकी वीडियो बना के पाई सी जदों यह वीडियो वायरल हुई तो उस तो बाद उस व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हुई है। तो वह व्यक्ति इटली तो जो पंजाब पुजिया फतेहगढ़ साहब की पुलिस ने उसनों जरा तुरंत गिरफ़्तार कर लिया सी। बीते दिन यही गिरफ़्तारी हुई है तो वड्डी घटनावां जिहड़ियां बेअदबी दियां लगातार वधदियां जा रही ने। मई महीने दे विच भी राजपुरा दे गुरु घर दे विच भी बेअदबी की कोशिश हुई सी, हालांकि सेवादारां दी फुरती दे नाल ओह घटना जिहड़ी है बचा हो गया सी, उस तों ते बेअदबी तों बचा हो गया सी ते उस व्यक्ति नूं जड़े सेवादार सी उन्होंने फड़ के पुलिस के हवाले कर दिता सी। दसया जा रहा है कि वह व्यक्ति जुत्तियां समेत जुत्ते समेत जड़ा है गुरु घर के दाखिल हो रहा सी ते उस वल्लों कहा जा सकता है कि गुरमर्यादा की जड़ी है उलंघना की जा रही सी, पूरे जड़े सिखी धर्म के असूल ने जां जड़े भी नियम ने उन्हां दी उलंघना उस वल्लों की जा रही सी। तुरंत जड़ा उस व्यक्ति नूं सेवादारां ने काबू कर लिया तो उस तों बाद पुलिस के हवाले उसनों कर दिता गया सी। इस तों पहलां दी जेकर गल की जाए तो कुछ दिन पहला ही पटियाला दे दुख निवारण गुरुद्वारा साहब दे विच सरोवर नेड़े एक औरत शराब पींदी फड़ी गई सी, हालांकि दोष उसते लगे सी, उसकी जांच हो रही सी ते एक जिहड़ा नौजवान सी उसने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर दे नाल उसनू तुरंत जिहड़ा है गोली मार दित्ती सी। इस दे चलदिआं उस औरत की मौत हो गई सी ते उस नौजवान नू गिरफ़्तार जिहड़ा है बाद दे विच पुलिस ने कर लिया सी। बेअदबी दीआं इह घटनावां जिहड़ियां ने लगातार वधदीआं जा रहीआं ने, इन्हां कारण सिखां दीआं धार्मिक भावनावां नू वड्डी ठेस पुज्जी है। इस तों पहलां दी जेकर गल कीती जावे तां मोरिंडा दे एक गुरु घर दे विच भी बेअदबी हुई सी, एक व्यक्ति जिहड़ा है उह गुरद्वारा साहब दे विच दाखल हुंदा है ते उस वल्लों जिहड़े ग्रंथी सिंह हुंदे ने उहनां दे नाल कुटमार की जाती है ते गुरु ग्रंथ साहब दे नेड़े उह पहुँच जाता है, पूरे जिहड़े उलंघना उस वल्लों की जाती है ते जिहड़े ग्रंथी सिंह ने उहनां दे नाल कुटमार की जाती है ते उस तों बाद जिहड़े लोग उत्थे मौजूद सी श्रद्धालु मौजूद सी उहनां वल्लों उसनूं काबू कर लिया जाता है ते पुलिस दे हवाले कर दिता जाता है। काफ़ी ज़्यादा कुटमार उसकी हुई सी ते उस तों बाद पुलिस की हिरासत दे विच रहा, काफ़ी दिन जिहड़ा है मोरिंडा दे विच धरना भी लगता रहा ते उस तों बाद पुलिस की हिरासत दे विच ही कुटमार दे चलदिआं जां फिर कोई होर कारण करके जां फिर मानसिक तौर पर परेशानी दे चलदिआं उस नौजवान की मौत हो गई सी ते उस तों बाद लगातार जिहड़ियां घटनावां कहा जा सकदा बेअदबी दीआं वधियां ने। अमृतसर दे विच इह कोई पहली घटना जिहड़ी नहीं है बेअदबी दी, इस तों पहलां भी कई घटनावां वापर चुकियां ने, गुरुद्वारा साहब दे विच बेअदबी दीआं घटनावां वापरियां ने ते अज दी इस घटना ने सिखां दीआं धार्मिक भावनावां दे नाल नाल हिंदू ते क्रिश्चियन धार्मिक दे भाईचारे दीआं भावनावां नूं डूंगी ठेस पुजी है, क्योंकि गुरु साहिबान दीआं तस्वीरां जो कूड़े दे इक ढेर जों बरामद होईआं ने उहनां दे नाल ही हिंदू ते क्रिश्चियन धर्म के जिहड़े देवी देवते ने उन्हां दीआं भी तस्वीरां इत्थों बरामद होईआं ने, यीशु मसीह दी जिहड़ी है तस्वीर भी बरामद होई है ते लगातार इस मामले की जाँच पुलिस वल्लों की जा रही है। पता लगाया जा रहा कि आखिरकार किस व्यक्ति ने यह जिहड़ी कदम चुकिया है बेअदबी की घटना नूं अंजाम दिता है ते उस नूं फड़न लई पुलिस वल्लों पूरी जिहड़ी है तैयारी की जा रही है ते सीसीटीवी फुटेज कहिंदे ने खंगाली जा रही है, जो भी कार्रवाई होवेगी वह बनती कार्रवाई पुलिस वालों की जाएगी यह कहना पुलिस अधिकारियों का। तो तस्वीरों के देख सकते हो कि कुछ सिख नौजवान खड़े हुए हैं तो कूड़े के ढेर विचों उन्होंने सारा ही समान जिहड़ा बरामद कर लिया, बेअदबी संबंधित जिहड़ा समान से बरामद किया है तो पुलिस वालों उन्हां कोलों पुछ पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस तरह यह घटना वापरी है तो जो पता लगाया जा सके, डूंघाई नाल इस मामले की जाँच करके असल जिहड़े ने दोषी उन्होंने काबू किया जा सके, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सो इस तरह बेअदबी दीआं इह घटनावां लगातार वध रहीआं ने ते इहनां कारण सिखां दीआं धार्मिक भावनावां नूं वड्डी ठेस पुजदी है। इस तों इलावा जेकर गल कीती जावे तां बीते कुछ दिन पहलां ही एक गुरद्वारा साहब दे विच जिहड़ा कि चंडीगढ़ ते मनी माजरा दे नेड़े पैंदा है उस दे विच सनी देओल दी फिल्म गदर 2 दी जिहड़ी है शूटिंग चल रही सी ते उस दे विच भी गुरु घर दे विच जिहड़ा गुरमर्यादा दी जिहड़ी उलंघना उहनां वल्लों कीती गई है, इह दोष लगे ने ते SGPC ने इह मामला चुक्किआ है। उत्थे एक
सीन दे विच जिहड़ा है हमेशा पटेल दे सनी देओल खड़े हुंदे ने ते उहनां वल्लों इतराज़ दी अकालत दे विच खड़े हुंदे ने ते सीन जिहड़ा है शूट हो रहा सी ते उस दौरान कुछ निहंग सिंघां नूं उहनां दे दुआले जिहड़ा है गतका खेडदे दिखाया गया ते इस तों बाद जदों इह वीडियो वायरल होई तां SGPC यानी कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस उत्ते वड्डा इतराज़ जताया ते फिल्म दी पूरी टीम दे खिलाफ कार्रवाई जिहड़ी है मंग कीती सी। हालांकि फिल्म दे डायरैक्टर ने जिहड़ी फिल्म इह शूट हो रही सी उसदे डायरैक्टर ने इस उत्ते मुआफ़ी मंगी है। उन्होंने दा कहना है कि उन्हों का किसी भी तरह सिखां दीआं धार्मिक भावनावां ठेस पहुँचाउण दा कोई भी मकसद नहीं सी। हालांकि जिस सीन दे कारण उन्हां दे नाल इह जिहड़ी है बेअदबी कहा जा सकता है कि सिखां दीआं भावनावां नूं ठेस पुजी है तां उस घटना ते उन्हां दी माफ़ी भी मंगी है। सो इस तरह इह मामला जिहड़ा पूरी तरह गरमाया होया सी ते उस तों बाद अज फिर एक वड्डी घटना जिहड़ी है अमृतसर दे छेहरटा दे विच वापर गई है जिथे गुरु साहिबान दीआं तस्वीरां एक कूड़े दे ढेर विचों बरामद होईआं ने ते हिंदू ते क्रिश्चियन धर्म दीआं तस्वीरां भी मिलीआं ने। इस कारण जिहड़ा है जिहड़े तीनों चारे जिहड़े धर्म धार्मिक भाईचारे ने उन्हां दीआं धार्मिक भावनावां नूं वड्डी ठेस पुजी है। सिखां ने इस उत्ते वड्डा रोस जताया है। पुलिस वल्लों इस मामले की जाँच की जा रही है। CCTV कैमरे जिहड़े ने लगे हुए ने उन्हां नूं खंगालिया जा रहा है ता जो असल जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं काबू किया जा सके ते उन्हां दे खिलाफ बनदी कार्रवाई की जा सके। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी।